वेरी गुड इवनिंग। आज चित्र सिंह फाउंडेशन त्रिपुरा का 36th एपिसोड है और आज के एपिसोड में हमें खुशी है मिस्टर अरिंदम दासगुप्त को गेस्ट हिसाब से यहाँ पे हमको मिला है। इसलिए हमें बहुत खुशी है। अरिंदम इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट इरमा आनंद जो गुजरात में है, जिसको संक्षेप में इरमा बोल के माना जाता है, वहाँ से ग्रेजुएशन किया है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ना होने के बावजूद इन्होंने अपने चॉइस से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काम करने के लिए डिसीजन लिया था आज से करीब 15 साल पहले। एंड दैट टाइम डेफिनेटली ही वॉज मच यंगर एंड आई वुड से दैट ही टूक ए वेरी बोल्ड डिसीजन, क्योंकि उस समय हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड ओवरऑल बिजनेस प्रपोजिशन इतना अच्छा नहीं था। एंड ही हैड ए लॉन्ग जर्नी, वी विल हियर फ्रॉम हिज ओन वर्ड्स। तो आई वेलकम अरिंदम, मिस्टर अरिंदम दासगुप्त टू आवर प्रोग्राम इन चित्र सिंह फाउंडेशन दिस लाइव प्लेटफॉर्म। नमस्ते विश्वनाथ, नमस्ते सबको। थैंक यू टू चित्र सिंह फाउंडेशन पे बुलाने के लिए। मैं आज अपना जो भी आप लोगों का जिज्ञासा है, जितना भी हो सके मैं अपना लास्ट 15-20 साल का जर्नी या उससे पहले का भी मैं खुश हूंगा शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ। मेरा हिंदी हिंदी उतना अच्छा नहीं होगा, साथ में इंग्लिश वर्ड्स भी निकलेगा, बट मुझे लगता है आप लोग सबको समझ में आ जाएगा। यस डेफिनेटली योर हिंदी विल बी बेटर देन माइन। फिर भी हम हिंदी में कोशिश इसलिए करेंगे क्योंकि ज्यादातर श्रोता हमारा त्रिपुरा, बांग्लादेश, काछार विच इज बराक वैली एंड मणिपुर से आते हैं। तो मैंने सोचा कि आजकल हिंदी हैज बिकम मच पॉपुलर एंड most of our people will be able to understand if we speak Hindi rather than Bengali or English or Manipuri or Assamese. So सबसे पहले अरिंदम मैं जो जानना चाहूँगा, तो what drove you to actually go to work in Assam long back in 2005-2006 and what motivated you to think about venturing into this kind of social enterprise. मैं थोड़ा संक्षेप में बता दूंगा किस टाइप का सोशल एंटरप्राइज है। बचपन से हम लोग देखे हैं कि सुपारी पेड़ का जो पत्ता है वो हम लोग हमारा चाइल्डहुड में एक हाई टीला बोलते हैं हम लोग, ऊपर चढ़ जाते हैं और वहाँ से हम नीचे उसी को पकड़ के खींच के नीचे चले जाते थे, उसको हम गाड़ी का तरह इस्तेमाल करते थे। और हम लोग देखे कि हमारा हमारा माता जी लोग उसको एक बेम्बू का एक पैरा बनाते हैं, उसमें उसको सुखा के रखते हैं और उसको फुएल उठ का तरह इस्तेमाल करते थे। एंड वी हैव सीन वेरियस यूजेस ऑफ एरेका नट लीव्स, बट एरेका नट लीव्स से अरिंदम ने प्लेट्स बनाया और उस प्लेट्स को नॉट ओनली इन इंडिया इंडियन सिटीज बट ऑल्सो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट किया। और ये एक छोटा एरिया में नहीं किया, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट का 7-8 स्टेट्स में एवं वेस्ट बंगाल में उसको इन्होंने फैलाया। और आई एम श्योर उसको फैलाने में ये बिजनेस मॉडल और टेक्नोलॉजी को परफेक्शन में लाने में उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। विल टॉक ऑल ऑन दिस, बट लेट्स स्टार्ट विद योर जर्नी when you as a young boy you moved to Assam from Gujarat after your study. वहाँ से शुरू करते हैं।
तो आई थिंक आपने जैसे बोला कि मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इरमा में किया, तो इरमा जाने से पहले मैं जस्ट थोड़ा सा ये मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली में किया था। स्कूलिंग मैं जमशेदपुर में पला बड़ा हूँ। मेरे घर में किसी का मतलब बिजनेस या एंटरप्राइज का बैकग्राउंड नहीं है। किसी का फॉर्मल सोशल डेवलपमेंट का भी बैकग्राउंड नहीं है। मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था दिल्ली में, कुछ किताबें इस तरह के पढ़े कि मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हुआ कि कुछ इस तरह का काम का भी ग्रोथ डेवलप बहुत बड़ा ये नेता या कुछ बनना है, बट कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए काम ऐसा। ऑफिस में बैठ के 9 to 5 जॉब में कभी इंटरेस्ट नहीं था। तो जब ग्रेजुएशन कर रहा था दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के मैनेजेरियल या वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी दैट काइंड उस तरह का जॉब्स में जाते थे, बट दोनों में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं। तो वो जब आया तो उसने बताया कि इरमा का कोर्स ऐसा है कि वो इस तरह ज्यादातर टाइम वो लोग बाहर फील्ड में स्पेंड करते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वही अट्रैक्शन के साथ मैं वही अट्रैक्शन था मेरा इरमा के प्रति, एंड उसी अट्रैक्शन के साथ मैं इरमा गया कि ऐसा कुछ कर मतलब स्टडीज के दौरान काफी कुछ एक्सपोजर मिलेगा इस इंस्टीट्यूट में। तो उसी अट्रैक्शन से मैंने इरमा ज्वाइन किया। एंड ऑब्वियसली इरमा का 2 साल काफी ट्रांसफॉर्मेटिव रहा। मैं कभी रूरल इंडिया मेरे लिए था कि बचपन से मैं ट्रेन में बहुत ट्रैवल करता था क्योंकि पिताजी इंदौर मैसूर ये सब जगह जॉब करते थे, हम जमशेदपुर में रहते थे, तो हर हर छुट्टियों में पिताजी के पास जाते थे तो ट्रेन में ट्रैवल करता था। तो रूरल इंडिया का वही एक्सपोजर था ट्रेन में जब हम लोग ट्रैवल करते थे, बट जब इरमा में गया तो रूरल इंडिया का बहुत एक्सपोजर मिला, दैट वो पूरा चेंज कर दिया। एंड 2-3 की फिगर्स है। डॉक्टर कुरियन ने जो किया थ्रू द मिल्क रेवोल्यूशन, वो एक्सपोजर मिला। बचपन से जमशेदपुर में पला बड़ा हूँ, तो टाटाज ने क्या किया जमशेदपुर के लिए या आसपास के एरिया में, वो भी एक्सपोजर था। तो ये सब मिला के सारा एक ये मन बना कि ऐसा कुछ करना चाहिए जो इसमें कॉमर्स एंड डेवलपमेंट को एक साथ हम मिक्स करके हम लोग कुछ क्रिएट कर पाए। एंड उसी उद्देश्य से और इरमा में मेरा 2 साल में ऐसा रहा। मैं नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं आया था, बट मैं ईस्टर्न इंडिया से वेस्टर्न इंडिया लाइक झारखंड से लेके गुजरात तक, झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात ये सारा स्टेट्स में मेरा फील्ड वर्क था थ्रू इरमा के 2 साल में। तो मेरा यही ऑब्जर्वेशन था कि ईस्टर्न इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है लेकिन अच्छे लोग नहीं आए काम करने के लिए, तो ह्यूमन रिसोर्सेज उतना डेवलप नहीं हुआ है। तो उसी कारण के वजह से ईस्टर्न इंडिया एटलीस्ट सदर्न या वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से 10-15 साल पीछे है। तो तब मैंने ठान लिया था कि अगर काम करना है तो ईस्टर्न इंडिया में करना है, और मुझे ग्रास रूट लेवल में ही काम करना था। हम लोग 2-3 जन मिलके डिसाइड किए थे दोस्त लोग कि अपना कुछ खुद करेंगे। तो उसी सिलसिले में मेरा उसमें रोल इंडिया में नौकरी देख रहा था,
तो मुझे दो तीन अपॉर्चुनिटी मिला था, उसमें से एक नॉर्थ ईस्ट का अपॉर्चुनिटी था और फूड प्रोसेसिंग के था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि बहुत पोटेंशियल तब भी था अब भी है फॉर रूरल इंडिया। आसाम आया, गुवाहाटी आया वो नौकरी लेके, बट वो नौकरी बहुत पसंद नहीं आया। एक संस्था चालू किया धृति, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तीन चार जन मिलके हमने चालू किया। एंड उस धृति के थ्रू पहले हमने ये अरेकना लीफ प्लेट, मुझे लगता है इंटरनेट का थोड़ा बहुत दिक्कतें हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट टू होल्ड ऑन। आप लोग साथ में रहिए, अरिंदम दोबारा ज्वाइन करने वाले हैं। जब तक अरिंदम ज्वाइन करे तब तक मैं आप लोग को एक संक्षेप में बताना चाहूँगा कि अरिंदम ने जो सुपारी पत्ता का प्लेट बना के जो बिजनेस शुरू किया, वो बिजनेस किस प्रकार से होता है, सिंपल वे में मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ। इन्होंने जो बिजनेस शुरू किया है, उस बिजनेस को बाजार में बेचने के लिए, प्रोडक्ट को बाजार में बेचने के लिए एक लोगो होता है। जैसे टाटा का कंपनी का लोगो आपने देखा होगा, टी बोल के आता है, तो बड़े बड़े कंपनी का लोगो होता है, ऐसा उनका कंपनी का लोगो है ये, जिसका नाम है तामुल। तामुल एक्चुअली एक आसामीज वर्ड है, जिसको हम लोग बंगाली में सुपारी बोलते हैं, हिंदी में भी सुपारी बोलते हैं, मणिपुरी और खासिया लैंग्वेज में कुआ बोलते हैं। और उनका ये लोगो है, और शुरू होता है जो बहुत सारे सुपारी पत्ता प्लेंटीली अवेलेबल है। अरिंदम वेलकम बैक, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इन योर एब्सेंस हाउ इट वर्क्स। ये कलेक्शन करते हैं और सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ, और कलेक्शन होने के बाद ये मशीन से ये पत्ता को सुखाने के बाद प्लेट या बॉल में इसको कन्वर्ट करते हैं। ये सभी काम कोई बड़े बाहर का लोग आके नहीं करते, लोकल लोग ही करते। आप लोग देखें, यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा, जो लोग काम कर रहे हैं लोग सब लोकल लोग है। और ये फोटोग्राफ्स मोस्टली बोरो टेरिटोरियल काउंसिल एरिया से है, आसाम, आसाम का कोकराझार बोंगाईगांव इस उस बेल्ट का। मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ अरिंदम के एब्सेंस में इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक प्रोजेक्ट विजिट किया हूँ, और अभी अरिंदम ज्वाइन किया वो विस्तार से बताएंगे। फिर इसको इस प्रकार से प्रोडक्ट बनाता है, लेफ्ट साइड में, टॉप लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हैं, ये बहुत सारे प्रोडक्ट को एक साथ इन्होंने पैकेट करके रखा है, और एक सिंगल सिंगल प्रोडक्ट हम दिखा रहे हैं जिसको रेस्टोरेंट्स में यूज हो रहा है, ये पिज्जा देने में यूज हो रहा है। इसको हम थोड़ा हाई एंड करके दिखा रहे हैं क्योंकि इनका मार्केट लोकल प्रोडक्ट, बहुत इंटीरियर से होता है, जंगल से, जंगल का आसपास एरिया से होता है, गांव से होता है, लेकिन इसका मार्केट इंटरनेशनल लेवल में चले जाते हैं, सिटीज में चले जाते हैं। ये मैंने संक्षेप में बताया। तो अरिंदम वेलकम बैक। सो आप बता रहे थे कि आपका मोटिवेशन और नॉर्थ ईस्ट में जो आपने अपॉर्चुनिटीज देखा, प्लीज कैरी ऑन फ्रॉम देयर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि एक तो आपने जो एक बोला कि नॉर्थ ईस्ट का सिचुएशन तब उतना अच्छा नहीं था, तो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अवेयर नहीं था उस बारे में, बट ठीक है, थोड़ा सा पता था, बट कितना डिफिकल्ट था या कितना प्रॉब्लमेटिक था उसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं था, तो इसीलिए मुझे कभी था वो मेरे करियर के शुरू में मुझे बहुत हेल्प किया। मतलब नॉर्थ ईस्ट का, जब आप बीटीसी एरिया के बारे में बोल रहे थे, कुछ कुछ एरिया में हम लोग चले जाते थे, घुस जाते थे जहां पे कुछ नहीं हो, मतलब बहुत सीरियस में डरते थे,
बट मुझे तो उसका वो ग्रूसम हिस्ट्री का उतना डिटेल में पता नहीं था, तो मैं चले जाता था एज अ इंक्यूजिटिव पर्सन, तो इसलिए मुझे उतना ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ, मतलब कि वो बैगेज नहीं था बैक ऑफ द माइंड में। ठीक है, लोग बोलते हैं डिफिकल्ट है, पर ठीक है, जा सकते हैं, जाके देखते हैं क्या होता है। तो उसी इंक्विजिटिवनेस उसी ये में। और दूसरा बात ये है कि आज भी मैं बोलता हूं सबको, नॉर्थ ईस्ट के लोग यहाँ पे का बहुत प्योर है, एक अलग लेवल का प्योरिटी है, अलग लेवल का जो अतिथि देवो भव जो हम इंडियंस लोग बोलते हैं, वो चीज नॉर्थ ईस्ट में एक अलग लेवल में है। वो मैं कहीं, मैं इंडिया में बहुत जगह, ऑलमोस्ट इंडिया का हर स्टेट में मैं गया हूं। ये है ओवरऑल इंडिया में ये प्रेजेंट है, बट नॉर्थ ईस्ट में वो जिस लेवल में प्रेजेंट है, और जो ग्रास रूट लेवल जो अपना कल्चर के साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो मुझे कहीं और नहीं मिला। तो इसीलिए जब मेरे दोस्त लोग बोलते थे कि ठीक है तुमने काम कर लिया, तुम यही काम दिल्ली में बैठ के कर सकते हो, दिल्ली में आ जाओ, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रहेगा, और नॉर्थ ईस्ट जाया करो, तो मैं उनको हमेशा यही बोला हूं कि मैं यहीं से काम करता हूं, मुझे टूर करने जाना होगा तो मैं दिल्ली चले जाऊंगा, बट मैं अपना बेस यहीं चाहता हूं कि यहाँ का क्या बोल, कीड़ा काट लिया है मेरे को। आई आई लाइक दिस प्लेस। So, to be frank, and just to add one further point here, ये एक समय का बात है जब मैंने भी पर्सनली प्रोफेशनली पहले बार नॉर्थ ईस्ट में इंटेंसिवली ट्रेवल करना शुरू किया, और 2005 और 6 में, आज जिन लोग हमारे बातें सुन रहे हैं उनको विश्वास नहीं होगा, जब आप गुवाहाटी एयरपोर्ट में उतरते हो, गुवाहाटी एयरपोर्ट से निकल के सिटी में आने के लिए आपको गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का सामने वाला रास्ता से आना पड़ता था, देयर वॉज नो अदर रूट। अभी तो ऑल्टरनेटिव रूट अवेलेबल है। तो गुवाहाटी एयरपोर्ट, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का सामने एक बार आपका व्हीकल चेक हुआ था, और मैक्सिमम टाइम आपको पर्सनली भी चेक किया जाता था, और आप जब सिटी के अंदर घुसेंगे उसका पहले और एक बार चेक किया जाता था, और बाई 6:30 ऑल द शॉप इन गुवाहाटी सिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट टूडेज गुवाहाटी सिटी, यूज टू गेट क्लोज। सो आई एम वी आर टॉकिंग अबाउट दैट टाइम। तो उस समय उस अरिंदम आके, मैं तो गुवाहाटी का बात करूँ, वो इंटीरियर में गांव में जाके काम शुरू किया। इट्स रियली रियली एनकरेजिंग। एंड यस, अरिंदम ने जैसा बोला, समटाइम्स वी फील दैट इग्नोरेंस इज ब्लिस। उनको ज्ञान नहीं था इसलिए उनको डर नहीं था, तो वो इग्नोरेंस इज ब्लिस, वो बहुत अच्छा तरीके से काम किया उनके लिए भी, और मैं बोलूंगा वो हमारा यहाँ का कम्युनिटी के लिए भी। तो अरिंदम, यू आर टॉकिंग अबाउट, आप फूड प्रोसेसिंग को लेके उत्साहित थे, आपको लग रहा था वहाँ पे बहुत सारे पोटेंशियल है। तो ये एरेकानट पे, सुपारी पेड़ का पत्ता में कैसे जाके आपने कॉन्सेंट्रेट किया और लगा कि इसमें काम करना है? तो जब मैं यहाँ पे गुवाहाटी में नौकरी लेके आया, और नौकरी के सिलसिले में मैं घूम रहा था काफी डिफरेंट जगह नॉर्थ ईस्ट में, उसी टाइम में मेरा एक रिलेटिव, ये तब ये प्लेट्स ऑलरेडी साउथ इंडिया में बन रहा था, तो मेरा एक रिलेटिव को ये प्लेट्स कहीं से मिला, वो कैलकटा बेस्ड है, तो उन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया प्लेट्स का कुछ सैंपल, क्योंकि
कि उनको पता था अगर इंटरेस्ट लगा तो कर सकते हो तुम तो मुझे 99% पीपल जिसने ये प्लेट फर्स्ट टाइम देखा बहुत अच्छा होता है जनरली, तो मैं भी बहुत अट्रैक्टेड हुआ, मुझे लगा कि इसका बहुत पोटेंशियल है। और अभी जैसे ग्रीन हैज बिकम अ बजवर्ड कि ग्रीन प्रोडक्ट या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट आर इन हाई डिमांड, तो ये चीज क्लियर था कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इस तरह का प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा ही। तब उतना नहीं था क्योंकि लोग अवेयर कम थे और अवेयरनेस होने से भी पीपल वर लिटिल बिट मोर प्राइस कॉन्शियस, बट मुझे ये क्लियर था कि ये होने वाला है आगे। तो वो देख के तो फिर मैं सोचा कि ये अच्छा पोटेंशियल है। तो बैकग्राउंड में तो वो अमूल का हैंगओवर था ही कि अमूल ने वहां पे गुजरात में क्या किया, मुझे लगा कि सुपारी का पत्ता तो अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट में है, उस स्केल में नहीं अमूल जैसे दूध के साथ किया था, बट सिमिलर काम इस पत्ते से हो सकता है क्योंकि ये अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट फैला हुआ है। इसका एक अगर हम अच्छा प्रोडक्ट बना पाए और ऐसा एक प्रोडक्ट बना पाए जो एक्चुअली गांव में बन पाए शहरों में नहीं, तो इस चीज में पोटेंशियल है कि गांव में लोगों को इससे बेनिफिट मिले और काफी लोगों को बेनिफिट मिले। क्योंकि मैं जो करना चाहता था उसमें ऑलवेज एक ये था कि उसको स्केल कितना किया जा सकता है। तो वो देखने के बाद फिर मुझे भी इंटरेस्ट लगा और यहाँ पे हमारे साथ मानवेंद्र पाठक जो बॉडपेटा से ही है वो भी जुड़े, उन्होंने वो बॉडपेटा के ही हैं तो वो भी बहुत एक्साइटेड हुए, और बाकी मेरे जो दिल्ली के साथी थे अनिर्बन एंड निधि वो लोग भी एक्साइटेड थे प्रोडक्ट से। तो फिर हम चारों ने मिलके सोचा नहीं ये काम करना है, अच्छा से करना है। तो दिल्ली में अनिर्बन निधि और यहाँ पे आसाम में मानव और मैं दोनों मिलके हम लोग ये काम चालू किए। सो आप जब स्टार्ट किए, यू स्टार्टेड एडवेंचर ऑन एरेकाना लीव्स, सुपारी पत्ता को लेके आप बिजनेस करेंगे बोल के, व्हिच एटलीस्ट जिस स्केल में, जिस बड़े पैमाने में आप सोचे थे उस पैमाने में एटलीस्ट किसी ने नहीं किया होगा उस समय नॉर्थ ईस्ट में, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा उसको एक प्रकार से बिजनेस मॉडल बनाने में? इसमें मतलब दो तीन इंटरेस्टिंग सब बात मैं बोलूंगा। शुरू में जब हमने ये चालू किया तो जिस पर्सन से हमें ये प्लेट मिला था कैलकटा में, उन्होंने बोला था कि वो मशीन सप्लाई कर देंगे, उसको मशीन का भी आइडिया है एंड प्लस हम प्लेट बना के देंगे, तो वो प्लेट भी खरीद लेंगे। तो हमें लगा अच्छा है ये मशीन भी देगा। जब यहाँ पे नौकरी किया तब 4-5 महीने में नौकरी किया था नॉर्थ ईस्ट में, तो बहुत सारे एनजीओ आते थे मिलते थे, वो लोग बोलते थे हमारा इतना एनजीओ है, ये है वो है, बहुत एनजीओ है, इतना सारा एसएचजी है एनजीओ में, काफी एक्टिव है, सब रिकॉर्ड्स दिखाते थे। बोला सही है, एसएचजीज भी है, एसएचजीज को इजीली पैसा मिल जाएगा, बैंक से लोन मिल जाएगा, एसएचजीज को हम वहां से ले जाके मशीन दे देंगे, वो प्लेट बनेगा, वो प्लेट बना के हम उसी को सप्लाई कर देंगे, ये तो काम बड़ा इजी है, हम बस सारा फैक्टर्स रेडी, और पत्ता तो बहुत है ही ऑलरेडी सब जगह, प्लांटेशन प्लांटेशन सब बोलते रहते हैं, मतलब डेटा हमने निकाला तो 100,000। तो हमें लगा तो ये तो ठीक है, ये खाली पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो शुरू में पहला ही दिन में पहला ये निकला कि 2-3 NGO हमने विजिट किया, उनका ऐसे चीज विजिट किया, तो मुझे पता चल गया कि ये तो ज्यादा पेपर में ही है, ऐसे चीज तो उतना ज्यादा कोहेसिवली एग्जिस्टेंट नहीं है कि वो एक ऐसा एक्टिविटी कर पाए। सेकेंड,
पेड़ तो बहुत है लेकिन पत्ता कभी कलेक्ट नहीं हुआ है। तो पत्ता कलेक्ट करने बोलो तो लोग एब्सर्ड, 4 रुपया 5 रुपया ऐसा दाम मांगता है, उस दाम में बनाने से तो नहीं चलेगा। तीसरा, वो जो बंदा था जो कलकत्ता से मशीन सप्लाई करेगा, वो उसका जो मशीन का बैकग्राउंड से नहीं था। मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा था। मानव ने एक बार मशीन देखा, मानव बोला इस मशीन का इतना दाम तो होना नहीं चाहिए। फिर एंड वो जो प्राइस दे रहा था वो भी बहुत कम था। मैंने बोला इस प्राइस में तो कम्युनिटी का कुछ ज्यादा बचेगा नहीं, या सोचने के एंड ये कहीं आते गया। बट तब उतना ज्यादा विजन या फोरसाइट इतना होगा, लगा था ये 4-5 सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा, बट 4-5 किया तो आगे का और 5-6 निकला। बट ठीक है, तो उसी तरीके से, बट मैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल लेवल में या एक्टिविटी स्पेशली प्रोडक्शन एक्टिविटी आ गया था, हमने तो नहीं देखा है अभी तक, बहुत कम अभी भी इस तरह का एग्जाम्पल्स है। तो वो यस, यू कैन कैरी ऑन। आज ठीक फिर से निकला मैं। हेलो, मैं बता रही हूँ, हाँ मेरे वी कैन हियर यू। विश्वनाथ, मैं अच्छा ठीक है। नहीं आज मेरा आई डोंट नो एयरटेल का नेटवर्क आज बहुत वीक चल रहा है। शाम को ऐसा क्यों हो रहा है, जनरली नहीं होता है। हाँ हाँ बट यस वी कैन हियर यू। तो लार्ज स्केल में सोचने से दो तीन चीज होता है। ओके ओके, तो थोड़ा सा लग कि बहुत सारा रिसोर्सेस तो यहाँ पे है पर उनका कोई कलेक्शन, कोई सप्लाई चेन सिस्टम नहीं होता है, तो वो क्रिटिकल होता है। मतलब बहुत सारा वो अगर सप्लाई चेन नहीं होगा तो वो आप उसको यूज करके लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। तो आपको एक सिस्टम सेटअप करना पड़ता है कि वो रिसोर्स को आप इफेक्टिवली यूज कर पाओ। तो भी बहुत दिन से पहले से ही दिखता था, लेकिन वो पत्ता किसी प्रोडक्शन यूनिट में आके सही से प्लेट बने वो एक डिफरेंट लेवल का काम है। तो वो एक आ, 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 ये था। दूसरा, जो जिन लोगों से हम ये काम करवाना चाहते थे, हमारा शुरू से पहले से कर बैठा है और वो प्लांट में हम प्रोडक्शन करके हम बेचे। हमारा शुरू से ये था कि हम कितना हद गांव में अगर प्लेट बनेगा तो उनको पत्ते का वैल्यू नहीं प्लेट का वैल्यू मिलेगा, तो वो ज्यादा होगा तो वहां से फिर इनकम गांव में ज्यादा मिलेगा। तो वो एक इम्पोर्टेंट था कि उसमें दो चीज इम्पोर्टेंट था। एक तो हम वो टेक्नोलॉजी को कितना ये कर पाए कि गांव का जो कंडीशन था कि गांव में इलेक्ट्रिसिटी ठीक से नहीं है, या गांव में हमको वो टेक्निकल स्किल्स नहीं है, गांव में वो एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड नहीं है, तो वो सारा गांव में जो हमको वो इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ा ये काम करवाने के लिए, तो वो सेकेंड लेवल का चैलेंज था। अब ये बन गया तो आप प्लेट बन गया, ठीक है प्लेट तो बन गया। अब प्लेट अभी कोई भी हम लोग एक जब हम लोग एक सोशली रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सोशल डेवलपमेंट, मैं सिंपल बोल रहा हूँ सोशली रेस्पॉन्सिबल, कि सही दाम दिया जाए सबको अपना काम के लिए, तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होता है। वो आप एकदम सस्ता में नहीं प्रोडक्ट कर सकते, तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होता है, तो उसका मार्केट भी करना, क्योंकि आप दूसरे जो बना रहे हैं उससे आपका कॉस्ट ज्यादा है,
तो आपको ऐसा एक मार्केट खोजना पड़ेगा जिसमें वो एक्सेप्टेबल होगा, एंड एक्सेप्टेबल वो इस टर्म्स में नहीं होगा कि हाँ लोग हेल्प करने के लिए खरीद रहे हैं, ऑन सर्टेन अदर पैरामीटर्स कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट में ये यूनिकनेस है, ऑन सर्टेन अदर पैरामीटर्स जो कस्टमर को चाहिए, उन पैरामीटर्स में आपको उसे मार्केट में सक्सेस करना पड़ेगा। तो थर्ड पार्ट था वो लिंक करना, क्योंकि इस प्रोडक्ट का ऐसा है कि आप जितना अर्बन जाएंगे, ये बनता है जैसे बोडोलैंड के गांव में बन रहा है प्रोडक्ट, तो ये गुवाहाटी आएगा तो गुवाहाटी बेटर मार्केट है, गुवाहाटी कलकत्ता जाएगा तो और बेटर मार्केट है, दिल्ली बॉम्बे जाएगा तो और बेटर मार्केट है, और न्यूयॉर्क लंदन जाएगा तो और बेटर मार्केट है, अगर आप वो क्वालिटी बना पा रहे हैं तो। क्योंकि इस प्रोडक्ट का जो क्वालिटी और जो यूनिकनेस है वो अप्रिशिएट वही अर्बन मार्केट में होता है, क्योंकि जो लोग जैसे बुफे में खाना या खड़े होके खाना या माइक्रोवेव यूज करना, ये सब जो क्वालिटीज है ये ज्यादा शहर ज्यादा अर्बन एरियाज में ही होती। तो अभी हम उसमें ये भी है कि हम भी एक कोने में पड़े हुए हैं, जब हम कम्पीट करते हैं हमको एक पोर्ट एक्सेस करने में बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन हमारा जो साउथ के प्रोड्यूसर्स है इस प्रोडक्ट का, उनको साउथ में चेन्नई हो ट्यूटीकोरिन हो बहुत सारा पोर्ट इजीली एक्सेस मिल जाता है, तो वो सब भी डिफिकल्ट एक ये था, बट धीरे धीरे हम सीखते गए करते गए एंड आगे बढ़ते गए। तो वही है, ये तीन आर दी मेजर पैरामीटर, और जो ओवरऑल एक ये है कि एक माइंडसेट है कि जनरली होता है कि हम नहीं कर पाएंगे, एंड क्या होता है कि हम लोग एक कोशिश करते हैं वो नहीं सक्सेस होता है, हम छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, ये काम नहीं होगा। तो मेन इंपॉर्टेंट वही है, आज मतलब 15 साल से मैं यहाँ पे हूँ काम कर रहा हूँ, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखा है, मैं बोल लूंगा एक ही चीज मैंने बहुत अच्छे से सीखा है, वो है किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, बस किसी भी कुछ एक पकड़ के लटकते रहो, मतलब आगे रास्ता निकलेगा, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो पेशेंस एंड वो दृढ़ता बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। आपने पेशेंस और दृढ़ता की बात की, एंड एक्चुअली इफ यू सी अभी तक हमारा जितना भी हमने एटलीस्ट यूथ आइकॉन्स को हमारा प्लेटफॉर्म में लाए हैं, ऑल ऑफ देम हैव बीन एक्चुअली एग्जांपल, ब्राइट एग्जांपल्स ऑफ ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन। चाहे वो हमारा लास्ट गेस्ट नोंगाम बाला देवी हो, जिन्होंने शी हैज बीन द फर्स्ट इंडियन फुटबॉल वुमेन प्लेयर टू प्ले इन यूरोपियन लीग विथ ए कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट इन ग्लासगो, और एनी अदर यू नो गेस्ट जिन जिनको भी हमने यूथ आइकॉन के हिसाब से लाए। आई थिंक वन कॉमन थ्रेड हैज बीन दिस ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन। और मुझे एक अच्छा चीज लगा अनिर्बान, सॉरी अरिंदम, आपका बात पे कि आपने एक चीज बोला कि हम जब ये प्रोडक्ट लेके मार्केट में गए, ये हम इस एटीट्यूड लेके नहीं गए कि हमको चैरिटी चाहिए, या सीधा हिंदी में बोले तो हमको कोई खरीदे मेहरबानी करके, वो एटीट्यूड लेके हम नहीं गए। वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जब आपने बोली दिया आपका मार्केट गुवाहाटी कोलकाता मुंबई दिल्ली एंड आउटसाइड इंडिया, जानना चाहूँगा कि कहाँ तक फैला हुआ है अभी आपका ये मार्केट करने वाला नेटवर्क, व्हिच आर द प्लेसेस वेयर यू आर सप्लाइंग द प्रोडक्ट्स नाउ? तो हमारा 40% सेल एक्सपोर्ट में होता है, तो एक्सपोर्ट में हमारा रेगुलर ऑस्ट्रेलिया यूएस और यूरोप में जाता है, यूरोप में यूके फ्रांस ये सब जगह जा रहा है, ईस्टर्न यूरोप में भी कहीं कहीं जाता है, इसके अलावा साउथ अमेरिका में भी कोलंबिया रेगुलरली जाता है, अर्जेंटीना ब्राजील ये सब में भी भेजे हैं। तो मेजरली हमारा ये मार्केट से ऑस्ट्रेलिया रेगुलरली जाता है, यूएस रेगुलरली जाता है, इसके अलावा विद इन इंडिया हमारा ज्यादा फोकस नॉर्थ ईस्ट रहता है, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न इंडिया कैलकाटा, बट इसके अलावा हम लोग रेगुलरली बॉम्बे एंड दिल्ली रेगुलरली हम भेजते हैं, ये हमारा मार्केट का अभी लेवल है, बट
मार्केट में हम लोगों को और एक्सपैंड करना है, क्योंकि मुझे लगता है हमको इतना साल लग गया प्रोडक्शन मॉडल को सही से डिजाइन करने में, कि गांव में अच्छे लेवल में, प्रॉफिटेबल लेवल में लोग बना पाए, इजीली बना पाए। वो टेक्नोलॉजी, वो मॉडल, वो सपोर्ट सिस्टम, वो कैसे होगा, वो अब मुझे लगता है लास्ट 2-3 साल में जाके वो ठीक हुआ है। एंड उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था ये पैंडेमिक के समय में, जब सब कुछ बंद था, सब बंद हो गया था, हमारा खुद का जो प्रोडक्शन यूनिट है बॉरपेटा में वो भी जब बंद था, गांव में जो हमने क्लस्टर सेटअप किया था, हमने एक कामरूप रूरल डिस्ट्रिक्ट में एक हमने 30 वुमेन एंटरप्रेनर का, महिला उद्योग उद्यमी का हमने एक क्लस्टर सेटअप किया है। वहां पे 30 छोटा छोटा यूनिट है, 7-8 विलेजेस में स्प्रेड किया हुआ, तो वो यूनिट्स थ्रू आउट चलते रहा। हम उनको खाली ये आश्वासन दिए, आप बनाते रहिए, जब भी खुलेगा माल हम उठाएंगे। और किसी तरह हमने पैसा इकट्ठा करके हमने उनको कुछ एडवांस पहुंचा दिए कि उनका कैश फ्लोज मेंटेन रहे। एंड खाली उन्होंने अपना प्रोडक्शन नहीं किया, उन्होंने उस दौरान उस एरिया में जितने कम्युनिटीज थे उनसे पत्ता कलेक्शन करके, क्योंकि पत्ता भी तो वही गांव में है, उनको कहीं बाहर नहीं निकलना पड़ा, प्रोडक्शन भी वो घर में ही कर रहे हैं, तो पत्ता कलेक्शन करके बहुत सारे और लोगों को इनकम दिए। उन वहां से हमको बहुत महिलाओं ने फीडबैक दिया कि जब हम चालू किए थे बहुत लोग हम पे हंसते थे, ये क्या काम कर रहे हो। एंड लॉकडाउन के समय में वही लोग आके उनको पत्ता दिए हैं, पहले नहीं देते थे, कि पहले थोड़ा जलन या कुछ ये इस तरह का इश्यूज था, बट लॉकडाउन के समय में वो लोग आके पत्ता दिए, भर भर के पत्ता दिए, एंड उस पत्ता के अगेंस्ट में उनको पेमेंट मिला। तो मैं बोल यही जो लोकली स्ट्रेंथेंड प्रोडक्शन सिस्टम जो हम लोग इतना साल से कोशिश कर रहे थे, बहुत सारा ट्रायल एंड एरर हुआ, हमने बहुत सारा गलती किया, हमको यहाँ का सिस्टम, यहाँ का रीति रिवाज और सब कुछ समझने में भी टाइम लगा, तो वो भी एक एक्सपीरियंस था। बट अभी जाके वो सिस्टम हमें लगता है कि एक, हाँ, ये और इम्प्रूव हो सकता है, बट एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम हमने सेटअप किया है और अभी ये हम बहुत फास्ट स्प्रेड कर पाएंगे, तो ये प्रोडक्शन और फास्ट बढ़ेगा अभी अगला 4-5 साल में। अभी जस्ट लॉकडाउन खुलना चालू हुआ है, हम फंड्स और एक्सेस करना चालू किए हैं जिससे हम ये सिस्टम को और स्प्रेड कर पाए फास्ट, लेकिन अभी हमको पैसा मिलने से हमको ये नहीं सोचना है कि हम आगे कैसे बढ़ाए, स्प्रेड कैसे फास्ट करें, वो मॉडल तैयार है, तो प्रोडक्शन और बढ़ेगा और यही टारगेट है कि हम ये दुनिया के हर कोना में पहुंचाए ये प्रोडक्ट। सुन के बहुत अच्छा लगा, वेरी एनकरेजिंग। एक चीज जो आप शुरू से बोल रहे हैं, इसमें बार बार उभर के आ रहे हैं, वो है कि आप गांव का बात कर रहे हैं, आप महिलाओं का बात कर रहे हैं, आप खुद बारपेटा बोल के एक शहर है, छोटा शहर है असम का, वहाँ पे रहते हैं। अगर आप नहीं होते और आपका जगह में कोई बिजनेसमैन होता, जो हम जो गाँव का भाषा में महाजन बोलते हैं, कोई महाजन या महाजन का लड़का आके अगर ऐसा बिजनेस कर सेटअप करता, तो आई एम श्योर कि महिलाओं का बात, गांव का बात इतना शायद नहीं करते, वो केवल पैसा का बात करते। तो इसलिए हमारा श्रोताओं के लिए भी मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो मॉडल है, जहाँ पे आप महिलाओं को इकट्ठा करते हैं, उन उनका साथ मिल के काम करते हैं, ये बिजनेस मॉडल है, आप बिजनेस कर रहे हो, लेकिन इस बिजनेस मॉडल में आपका कम्युनिटी कमिटमेंट भी है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा समझाएंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि लोग जाने कि आप सोशली माइंडेड लोग अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं। हाँ, तो हमारा मॉडल कुछ इस तरह का है कि दो तरह से होता है हमारा काम। एक तो जो हम खुद अपना बॉटपेटा का यूनिट में प्रोडक्शन करते हैं, उसके लिए हमारा कुछ कुछ गांव से हमारे पत्ता आता है, तो वो पत्ता के लिए हमने गांव में जाके ट्रेनिंग दिया हुआ है महिलाओं को, वो पत्ता कैसे कलेक्शन करना, कैसे रखना होगा,
एंड फिर वहां से हम लोग कलेक्ट करके पत्ता को लेके आते हैं, प्रेसिंग करते हैं। बट ये जो पार्ट है ये टेम्पररी पार्ट है, ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारा प्रोडक्शन कम होते जाएगा। अभी भी अगर हम लोग बीच में हमारा ऐसा था कि हम लोग 60 देते, 10-20% हमारा गांव में जो हमने ट्रेनिंग किया हुआ है उन लोगों से प्रोडक्शन आता था। अभी ऑलमोस्ट हमारा 50-50 हो गया है, गांव से हम लोग खुद जितना करते हैं गांव से उतना आता है। तो गांव का हमारा मॉडल कैसा है, हम लोग पहले जाके गांव में महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं कि ये काम को कैसे करना है। ट्रेनिंग देने से पहले हम गांव में हम थोड़ा सा उनको अवेयर भी करते हैं कि ऐसा काम हो सकता है। हम एरिया भी सिलेक्ट करते हैं देख के कि जहां पत्ता कलेक्शन के लिए दूर ना जाना पड़े। हमारा ऑलवेज यही टारगेट रहता है कि हम प्रोडक्शन को पत्ते के पास ले जाए रैदर देन पत्ता कलेक्ट करके शहर में लेके आए। तो हम एरिया सिलेक्ट करते हैं जहां पे पत्ता ज्यादा है वहां पे गांव में लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि है ये कर हम उनको देते हैं, जिसमें ऐसा नहीं कि हम उनको बहुत सारा फ्री, मतलब आप आओ तो स्टाइपेंड देंगे, आप आओ तो खाना देंगे, ऐसा नहीं है। उनको खर्चा करके मिनिमम थोड़ा ही सही उनको खर्चा करके खुद आके ट्रेनिंग लेना पड़ता है कि उनका कमिटमेंट रहे। तो वो ट्रेनिंग में उनको सारा चीज प्रोडक्शन से लेके एक छोटा सा यूनिट कैसे मैनेज करना होगा, रिकॉर्ड्स कैसे रखना होगा सारा चीज सिखाते हैं, क्वालिटी कैसे मेंटेन करना होगा सारा चीज सिखाते हैं। वो सिखाने के बाद फिर जो लोग इंटरेस्टेड फाइनली हैं उनको फिर हम बैंक से हो या कोई फंडिंग एजेंसी से हो जो मशीन में सपोर्ट देना चाहता है उससे लिंक करते हैं। फिर वो मशीन आने के बाद वो मशीन भी हम लोग सप्लाई करते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड मशीन और डाइस जाए कि हमने ये पोर्शन में हमने देखा है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि इनिशियली जो मशीन या टेक्नोलॉजी पे खर्चा करते हैं उसमें देखते हैं कि थोड़ा सस्ता कर लो, तो वो सस्ता के चक्कर में तब तो सस्ता हो जाता है लेकिन बाद में वो लॉन्ग टर्म में आप वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बना पाइप करना थोड़ा मुश्किल होता है लॉन्ग टर्म में। तो वो फिर हम मशीन इंस्टॉल करके फिर उनको कंटिन्यूअस हैंड होल्ड करके उनका प्रोडक्शन चालू करते हैं। वो लोग प्रोडक्शन करके उनका हम डोर स्टेप उनके घर से ही हम प्रोडक्ट कलेक्ट करते हैं ऑन अ मंथली बेसिस एंड फिर वो चेक करके उनको इमीडिएटली हम विद इन 15 डेज ऑफ कलेक्शन 15-20 डेज उनको पेमेंट करते हैं। वो फिर आगे हम लोग माल ये इकट्ठा करके हम वेरियस मार्केट्स में सप्लाई करते हैं और हम ये क्लस्टर्स में हम एक अपना टेक्निकल पर्सन भी अपॉइंट करते हैं जो ऑन अ वीकली बेसिस कोई भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, दूसरा और कोई भी प्लानिंग सपोर्ट चाहिए, कुछ भी सपोर्ट चाहिए वो प्रोवाइड करता है डोर स्टेप में। तो इस तरह का हमने एक मॉडल सेटअप किया है और इसमें हमने ये भी देखा है, ये चीज हम पहले यहाँ के मर्दों के साथ भी ट्राई किया है बट वो बहुत फिकल माइंडेड होते हैं, वो लोग एक एक्टिविटी से दूसरा एक्टिविटी दूसरा से तीसरा काफी मतलब जंप करते रहते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम होता है कंटिन्यूटी एक चाहिए। तो हमने बाद में जब ये महिलाओं के साथ ट्राई किया ये बहुत बेटर हुआ और उसमें खाली हमको क्या करना पड़ा, पहले हम जो मैनुअल जो मशीन था जिसमें फिजिकल एफर्ट ज्यादा लगता था वो महिलाओं के लिए थोड़ा प्रॉब्लम था, तो हमने जो हाइड्रोलिक मशीन था उसका डिजाइन हमने चेंज किया कि ये घर के डोमेस्टिक लाइन से चल पाए, छोटा सा यूनिट घर पे ही बैठ पाए, उसके लिए कोई अलग इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी या बड़ा इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, घर में ही चल पाए। वो हमने ट्विक करके डिजाइन करके वो हाइड्रोलिक मशीन अभी घर घर में जा रहा है एंड वो महिलाएं कलेक्शन में तो महिला ही इन्वॉल्व थे
वो लोग अपने बगानों से कलेक्ट करके सप्लाई करते थे, अब वो खुद अपना प्रेसिंग भी कर रहे हैं, अपने घर पे प्रेसिंग करके सप्लाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। हाँ प्लीज प्लीज कैरी ऑन। इसमें मैं विश्वनाथ एक और चीज बोलूं, खाली अपना इनकम के लिए रहा हूं तो शायद मैं गुवाहाटी में प्लांट बैठा के ज्यादा एक लेवल तक जा सकूं, लेकिन जितना रिसोर्स है उसको अगर अच्छा से यूटिलाइज करना है तो मुझे प्रोडक्शन को गांव तक ले जाना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म में खाली मैं एंटरप्रेन्योर नहीं, ये पूरा पूरा इंडस्ट्री को अगर मैं सोचूं तो इसमें बहुत सारा और मेरे जैसा एंटरप्रेन्योर आएंगे। एंड आज के डेट में 15 साल में हमने जितना काम किया, ये सारा प्लेट हमारे कंपनी के थ्रू, तामुल प्लेट्स के थ्रू नहीं बिकता है। बहुत सारा हमने कंपटीटर भी, जो लोग हमसे सीखे हैं, हमसे सारा काम सीखे हैं, अपना लेवल में इस कुछ इसी मॉडल में चला रहे हैं, यूनिट्स अपना भी चला रहे हैं और गांव में भी प्रमोट करके वो लोग वेरियस जगह में मार्केट कर रहे हैं और हम उनके साथ कंपीट भी करते हैं मार्केट में। लेकिन वो सारा हम ही से ट्रेनिंग, बहुत मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट में मतलब अभी तक बहुत ही कम लोग होंगे जो हमसे टच में नहीं आए हैं और ये काम चालू कर लिए हैं। लेकिन तो अगर हम खाली ये सोचे कि नहीं हमको रोक के रखना है, हमारे पास सब कुछ, तो नहीं चलेगा। हमको अगर ग्रो करना है लेवल में सोचना पड़ेगा जिसमें हम ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें, उसमें सबको फायदा है। तो बहुत अच्छा लगा, तो बहुत बड़ा मार्केट है और ये मार्केट किसी एक इंडिविजुअल का टैप करने का पोटेंशियल है नहीं, ये सबको मिलके करना पड़ेगा। तो एंड ये इतना दिन में अभी हमने ऐसा जो मॉडल किया है, हम ये बहुत सारा और पत्ते को हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, तो वो भी प्रोसेस चालू है। अच्छा लगा। तो जो अरिंदम बता रहे थे शुरू में, ही वाज इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन। जस्ट टू गिव कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट, आज से 25-30 साल पहले हम लोग जब देखते थे कि मिल्क प्रोडक्शन में टॉप कंट्रीज में इंडिया कभी टॉप 50 में भी नहीं था, बट डॉक्टर वर्गीस कुरियन जिन्होंने वाइट रिवोल्यूशन बोलते हैं हम लोग मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया, उन्होंने काम शुरू किया गुजरात से, उनका कोऑपरेटिव मॉडल था जहाँ पे उन्होंने महिला लोग को हिस्सेदारी बनाया और महिला लोग ही उसका ओनर्स भी है। तो इस प्रकार से जो कोऑपरेटिव मूवमेंट उन्होंने चालू किया, सेम मॉडल पे बाकी स्टेट्स में धीरे धीरे कोऑपरेटिव मूवमेंट चालू हुआ और आज की तारीख में इंडिया इज द नंबर वन कंट्री इन ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन। ये ऐसा नहीं कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन का सोल कंट्रीब्यूशन है, बट डेफिनेटली ही हैड मेड मेजर कंट्रीब्यूशन इन ब्रिंगिंग दिस स्टेज फॉर द कंट्री। सो आई एम श्योर अरिंदम भी सिमिलर टाइप का मॉडल नॉर्थ ईस्ट में कोशिश कर रहे हैं इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, एंड वी मस्ट अप्रिशिएट इट। एंड क्योंकि मैं ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में बताना चाह रहा हूँ, इट इज जस्ट नॉट ए कॉन्सेप्ट ऑफ सुपारी पत्ता मिल गया, उसको सुखाया, उसको प्रोसेस किया, उसको मशीन में मशीन से प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को अच्छा तरीके से पैकेज किया, पैकेजिंग करके बेच दिया और थोड़ा पैसा कमाया। ये सिंपल मॉडल नहीं है, इससे इससे ज़्यादा और गहराई में जाके इन्होंने स्टडी किया है और इसको एक अच्छा मॉडल का तरह पेश किया है। आई एम श्योर ही विल बी बैक अगेन। बारपेटा में रहते हैं अरिंदम, सो डेफिनेटली
नेटवर्क इंटरनेट इज नॉट वेरी गुड देयर, सो वी विल वेट फॉर हिज रिटर्न इन द प्लेटफॉर्म. इन द मीन टाइम अगर आप लोग को कुछ भी सवाल करना है, आपका मन में अगर कोई जिज्ञासा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं. वृंदावन बेहरा जी ने लिखा है वेरी नाइस, अपर्णा सिन्हा जी ने लिखा है नाइस, अंजना सिन्हा जी ने लिखा है गुड इवनिंग. यू कैन ऑल्सो मेक कॉमेंट्स, यू कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस. आई थिंक दोबारा डिस्कनेक्टेड हो गया अरिंदम जी के साथ, बट आई एम श्योर यू विल बी बैक इन फ्यू मिनट्स. चित्र सिंह फाउंडेशन त्रिपुरा, हम लोग इस प्रकार का सोशल इश्यूज पे, पार्टिकुलरली यू नो पर्सनैलिटीज हु कैन इंस्पायर द न्यू जनरेशन, उनको हम इस प्लेटफॉर्म में लाते हैं, उनका एक्सपीरियंस बताते हैं यहाँ पे. ज़्यादातर प्रोग्राम हम यहाँ पे बंगाली, हिंदी, इंग्लिश और मणिपुरी लैंग्वेज में करते हैं, पर हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इंस्पिरेशन ले. हम लोग कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम को और भी दूसरा रीजनल लैंग्वेज में बढ़ाने के लिए. अगर उस प्रकार का स्टोरी आपका सामने आता है, आपको अगर मालूम है कोई स्टोरी जो पार्टिकुलरली न्यू जनरेशन को इंस्पायर कर सकते हैं, ऐसा स्टोरी आप हमको बता सकते हैं. यू कैन सेंड मैसेज, यू कैन राइट इन आवर पेज. हम कॉन्टैक्ट करने का कोशिश करेंगे और उसको लार्जर ऑडियंस में लाने के लिए तत्पर रहेंगे. सो सो फार वी हैव कॉन्टैक्टेड 35 एपिसोड्स. दिस एपिसोड इज 36 एपिसोड और हमने बहुत सारे सोशल एंटरप्रेन्योर्स को लाए हैं इस प्रोग्राम में, स्पोर्ट्स पर्सन को लाए हैं. हाँ, नाउ अनिंदम इज बैक अगेन. वृंदावन बेहरा लिखे है, इज देयर एनी अपॉर्चुनिटीज इन लीफ लाइक कॉल्ड तपारी साल और सियाली प्लेस एट त्रिपुरा कंसर्न. सो आई थिंक वील टेक दिस क्वेश्चन विथ सम अदर क्वेश्चंस. मैं एक्चुअली ये जानना चाह रहा था अरिंदम से, ओवरऑल आपने तो शुरू किया और प्रोबेबली यू आर द लार्जेस्ट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ आउटरीच एंड इन टर्म्स ऑफ स्केल टुडे, लेकिन इसका अपॉर्चुनिटीज मींस सुपारी पत्ता का प्लेट बना के उसको बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करने का अपॉर्चुनिटीज कितना बड़ा है नॉर्थ ईस्ट में. मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने भी शुरू में किया बोला था कि जैसे आई हैव दिस एक्सपीरियंस वेयर यू नो सर्टेन स्टेट्स हैव क्रिएटेड दिस बेम्बू मिशन. तो बेम्बू मिशन बोल के काफी हल्ला होता है और बेम्बू बहुत सारे बेम्बू मिशन ने प्रोडक्ट्स भी बनाया है, बट देन आई थिंक देयर इज ऑलवेज दिस मिसमैच क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में तो बेम्बू है ही नहीं अभी. एक्चुअली हम लोग बचपन में जितना बेम्बू देखते थे उसका 10% भी आजकल दिखता नहीं है, ना जंगल में ना बाजार में. सो वी टॉक ए लॉट अबाउट बेम्बू मिशन, बट ऑन द बैक हैंड साइड वी डोंट produce raw materials anymore. और second इसमें problem है कि there is no scientific estimate about कितना actually कितना hectare जमीन में bamboo plantation है. मैं bamboo का example दे रहा हूँ, it can be you know used for any other plant or any other raw material. So इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक तो है overall estimate कि कितना तक इसका opportunities है scale up करने के लिए north east में यह सुपारी पत्ता का, और इज देयर ऑल्सो रियल असेसमेंट साइंटिफिक असेसमेंट जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि इतना तक हो सकता है. तो इसका साथ साथ हम वृंदावन बेहरा जी का सवाल भी ले लेंगे कि ये जो लिखे है कि तपारी या साल या सियाली, इसको भी इस प्रकार का प्रोडक्ट में ला सकते हैं क्या? Arindam, oh. So I think we have to wait for a little while again. It's very nice question, Vridhabanji.
और हम लोग त्रिपुरा का कॉन्टेक्स्ट में भी बात करेंगे, क्योंकि देयर आर अपॉर्चुनिटीज पार्टिकुलरली व्हेन वी हैव इन ऑल द स्टेट्स द रूरल लाइवलीहुड मिशंस एंड वेदर और नॉट मिशंस लाइक रूरल लाइवलीहुड मिशन विच इज एक्चुअली सेटअप बाई सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टूगेदर. They can take up similar kind of programs on using the raw materials locally available. इसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे, पर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ. अरिंदम का नेटवर्क का अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है. जस्ट बी पेशेंट एंड थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. Arindam, if you are listening to me, okay. Maybe we can use his voice only without video. Take care. Yes, welcome back. सॉरी, आज कनेक्शन बहुत प्रॉब्लम दे रहा है. हाँ, नो प्रॉब्लम. हाँ, यू तो रिमेम्बर द आप, लास्ट क्वेश्चन? हाँ मैंने सुना है वो हाँ हाँ क्वेश्चन, हाँ मैं आपका सुन पाया था. आप बोल रहे थे इसका पोटेंशियल कितना बड़ा है फॉर नॉर्थ ईस्ट, एंड देन वृंदावन जी ने साल तियाली का भी बात किया था. तो जो ऑफिशियल डेटा है उसमें ऐसा है कि 100,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा अरेकानट प्लांटेशन है. तो हम लोग क्या लेके चलते हैं, उसको हम 50% डिस्काउंट कर देते हैं. उसको अगर हम 50% भी डिस्काउंट कर दिए तब भी नॉर्थ ईस्ट में छोटा छोटा प्रोडक्शन यूनिट 5,000 से ज्यादा हो सकता है. एंड आज के लेवल में मेरे हिसाब से 150-200 यूनिट होगा ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में. तो हमने खाली 5% पोटेंशियल अभी तक टैप किया है, तो अभी और 95% टैप करना बाकी है. तो उस हिसाब से, और हमने खुद वेरियस स्टेट्स में विजिट करके हमने देखा है, एटलीस्ट 25 to 30 पॉकेट्स अवेलेबल है जो हमें पता है, जहां पे डेंस अरेकानट प्लांटेशन है और जहां ये काम अच्छा से हो सकता है. नॉर्थ बंगाल से लेके आपका सारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर जोड़ूं तो ये अरेकानट का काम 25 to 30 पॉकेट्स हमने देखा है, डेंस प्लांटेशन अवेलेबल है जहां ये काम. ऐसा हर एक इस प्लांटेशन एरिया में 40-50 यूनिट का क्लस्टर बैठ सकता है. तो पोटेंशियल तो बहुत ही लार्ज है इन टर्म्स ऑफ अरेका. तो एंड हम खाली अभी 5% लेवल में टैप कर रहे हैं और 95% टैप करना बाकी है. दूसरा, इसमें एक और फैक्टर है जो स्टेट्स लाइक मेघालय, स्टेट्स लाइक त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये सब जगह में बहुत नया प्लांटेशन भी हो रहा है अरेकानट का. पत्ते के वजह से नहीं, बिकॉज सुपारी के वजह से. सुपारी का रेट लास्ट 5-6 साल से अच्छा चल रहा है, मार्केट में बढ़ रहा है, जिसके वजह से नया प्लांटेशन भी बहुत हो रहा है. तो उन एरियाज में भी ये काम और हो सकता है. तो अभी भी बहुत अनटैप पोटेंशियल है और स्कोप बढ़ रहा है. दूसरा और एक चीज है कि मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट में और काफी सारे पत्ते अवेलेबल है जिससे भी लीफ प्लेट बन सकता है. एंड स्पेशली अगर हम लोग जो अभी खाली इंडिया में नहीं, बट अगर अक्रॉस द वर्ल्ड
जो ये सिंगल यूज प्लास्टिक के अगेंस्ट में कैंपेन चल रहा है कि इनको बैन किया जाए, जिसमें पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये प्लेट्स, कटलरी, ये सब स्टाइरोफोम प्लास्टिक, ये सब का बैन करने का कोशिश चल रहा है। बैन तो बहुत होता है लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव नहीं निकल पाता है, तो इसीलिए वो चलते रहना है। प्रैक्टिकली मोर देन 100 इयर्स से साल सियाली का प्लेट बना के लोग गांव में, शहरों में यूज करते हैं, ऑल ओवर इंडिया भी सप्लाई होता है। इसमें जस्ट यही है कि उस प्रोडक्ट को इनफ, मतलब हम मॉडर्नाइज नहीं किए हैं आज के जमाने के लिए, प्रोडक्ट को और इम्प्रूव नहीं किए हैं आज के जमाने के यूसेज के लिए। तो उसी तरह से हमने उड़ीसा में, झारखंड, अरिंदम, कैन वी ट्राई यूजिंग ओनली ऑडियो? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में हमने थोड़ा थोड़ा पायलट्स किया है साल, ओके, सो सॉरी फॉर डिस्टरबेंस अगेन। शायद दोबारा वहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया इन बारपेटा इन असम। सो विल ट्राई टू सी दैट अरिंदम कम्स बैक, और दोबारा हम इस डिस्कशन को चालू रखेंगे। हमारा पास और एक दो ही सवाल है मेरा तरफ से एज ए होस्ट। अगर आप लोग का पास सवाल है तो आप बता सकते हैं। सियाली या साल, मेरा जानकारी का अनुसार प्रोबेबली इतना इंटरनेशनल मार्केट नहीं मिलेगा, पर लोकल मार्केट डेफिनेटली है, और अटेम्प्ट भी किया गया है उसको मशीन से बनाने के लिए। मुझे जितना जानकारी है, बालीगुड़ा बोल के एक जगह है उड़ीसा का, बालीगुड़ा में काफी संस्था लोग ने इसको इस्तेमाल किया है, पर इतना स्केल, इतना लार्ज स्केल में इसको रिप्लिकेट नहीं किया गया जितना लार्ज स्केल में अरिंदम ने सुपारी पत्ता को लेके किया है। अरिंदम, कैन यू हियर अस? हाँ विश्वनाथ जी, अभी आप लोगों ने मेरा बात कितना सुन पाया मुझे पता नहीं। हाँ, आई थिंक इट वॉज डिस्टर्ब इन बिटवीन, सो कुछ बात सुनाई दिया कुछ सुनाई नहीं दिया, बट आई थिंक बाय एंड लार्ज यू हैव आंसर्ड इट, और मे बी इन कमेंट बॉक्स वी विल राइट इट डाउन। तो मैं, आई जस्ट मूव ऑन एंड आस्क द लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज ऑफ कोर्स आप बोल रहे कि पोटेंशियल ज्यादा है, तो आपका, एंड आप बोल रहे कि आपका लगभग बिजनेस मॉडल, टेक्नोलॉजी सब अभी आप परफेक्शन में ला पाए हैं, सो हम लोग बहुत उत्सुकता के साथ जानना चाहेंगे कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या है। जो ये है कि
ये जो विलेज बेस्ड ईस्ट में सुपारी पत्ते के साथ में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, वी आर खाली नॉर्थ ईस्ट में नहीं, अक्रॉस ईस्टर्न इंडिया हम लोग ये करके इसको स्प्रेड करना चाहते हैं। एंड हमारा विजन ये है कि हम इंडिया को वो ना खाली इंडिया का डिमांड्स पूरा करे, विद इन इंडिया भी बहुत डिमांड है बिकॉज चारों ओर बैन हो रहा है, लेकिन ऑल्टरनेटिव्स इनफ नहीं है, एंड अक्रॉस द वर्ल्ड सप्लाई करे। और इसमें और जहां पे भी इस तरह के रिसोर्सेज है ये ज्यादा से ज्यादा ट्राइबल लोग वहां पे रहते हैं, फॉरेस्ट से जुड़े ट्राइबल लोग ज्यादा कम्युनिटीज रहते हैं, तो हमारा टारगेट है कि लार्ज मोर देन 50,000 ट्राइबल वुमेन को हम इंटीग्रेट करें, खाली सुपारी पत्ते के थ्रू नहीं, साल, सियाली, पलाश। अभी कुछ दिन पहले अरुणाचल में एक पत्ते का बात हो रहा था, उससे हो सकता है कि नहीं, तो इस तरह से काफी सारा और रिसोर्सेज मटेरियल ये करके सेम मॉडल को डाल के गांव में प्रोडक्शन करके हम ये अक्रॉस इंडिया अक्रॉस द ग्लोब सप्लाई करने का एक विजन किए हैं। बहुत अच्छा लगा बिकॉज एज यू मेंशन हमारा वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज एबंडेंटली अवेलेबल है, और जहाँ पर एबंडेंटली अवेलेबल है वो थोड़ा इंटीरियर होता है, जंगल में होता है, पहाड़ में होता है या फुट हिल्स में होता है, और उस एरिया में ज़्यादातर ट्राइबल्स लोग रहते हैं, ट्राइबल्स या इंडिजिनियस पीपल। तो इंडिजिनियस पीपल के लिए अपॉर्चुनिटीज हिस्टोरिकली कम रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने का वजह से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वहाँ पे जाते नहीं है उसका वजह से, एंड ऑन वेरियस अदर रीजंस। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अरिंदम आपका जो मॉडल है वो इन लोगों के लिए जो लोग हिस्टोरिकली वंचित रहे हैं, जो लोग हिस्टोरिकली मेन स्ट्रीम से अलग रहे हैं, उनके लिए आपने जो ये अच्छा मॉडल बनाया और उस मॉडल को इंटरनेशनल लेवल तक लेके गया और उसको और आगे बढ़ाने के लिए जो आपने सोच रखे हैं, दैट इटसेल्फ इज यू नो वेरी मच अप्रिसिएबल। और हम उम्मीद करेंगे कि इसको आप और ज़्यादा ऊंचाई तक लेके जा पाएंगे। और जिन लोग अरिंदम से डायरेक्ट संपर्क में आना चाहते हैं और कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं, उनके लिए हमने अपना स्क्रीन पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी एवं उनका कंपनी का वेबसाइट का नाम डिस्प्ले किया है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। एंड अरिंदम हैज एग्रीड टू रेस्पॉन्ड टू एनी ऑफ योर क्वेरीज डायरेक्टली ऑल्सो, इफ यू हैव एनी आप उनको फोन करके भी बात कर सकते हैं। आखिरी में अरिंदम आपसे जानना चाहूँगा, अगर आपका जैसा कोई यंग बॉय और यंग गर्ल जो एंथुजियास्टिक है, उद्यमी है, और आपका तरह एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अगेन आई वुड से द नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न इंडिया, जहाँ पे रिसोर्सेस आर अवेलेबल बट समहाउ बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स इसको एक बिजनेस मॉडल का तरह कन्वर्ट नहीं कर पाए। हाँ, मुझे जो लगता है आज से 15 साल पहले जो सिचुएशन था अभी बहुत बेटर है। रिसोर्सेस पहले भी था, अभी भी है, लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी का अवेलेबिलिटी है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत बेटर है, बहुत सारा चीज मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत जगह अवेलेबल है, बहुत सारा जगह में रोड बन गया है, कनेक्टिविटी बेटर है। मैं कुछ दिन पहले त्रिपुरा पूरा ट्रेन में गया तो उस तरह का कनेक्टिविटी पहले नहीं था, तो अभी कोई भी बिजनेस या एंटरप्राइजिंग एक्टिविटी करना पहले से आसान है, लेकिन कभी भी लेवल में वो एकदम इजी तो नहीं हो पाएगा। कोई भी बिजनेस में, एंटरप्राइज में, कोई भी सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटी में रिस्क तो रहता है, एंड ओवरनाइट सक्सेस आप लोग
आप लोग एक्सपेक्ट मत कीजिए, आप लोगों को सोचना है मिनिमम, आपको कभी चालू किए मिनिमम आपको 3 साल का माइंड फ्रेम लेके चलना चाहिए कि 3 साल आपको लगेगा उसको समझने में, उसको परफेक्ट करने में, एंड देन आगे फिर उसको ग्रो करने के लिए। तो अगर आप किसी भी चीज में घुस रहे हैं तो आप ये लेके चलिए कि मुझे 3 साल कमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको रिजल्ट्स, अच्छा रिजल्ट्स दिखना चालू होगा। मे बी उससे पहले आपको मिल जाए, लेकिन आप मिनिमम 3 साल का माइंड फ्रेम लेके चलेंगे तो आप जल्दी हताश नहीं होंगे। तो वो ये वो टाइम फ्रेम लेके घुसना है। दूसरा, आपको आपको हमेशा ये सोचना होगा, थोड़ा सा मार्केट के तरफ से सोचना होगा कि मार्केट क्या चाहता है। जब हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज लेके सोचते हैं, हम खाली रिसोर्स के साइड में सोचते हैं कि हाँ ये तो बहुत अवेलेबल है, इससे ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको मार्केट के हिसाब से भी सोच, तो वो चीज को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एंड आज का जेनरेशन हमसे बहुत स्मार्ट है। वो लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी, आईटी का इस्तेमाल करना और बेटर जानते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप कोई अच्छा चीज बने तो मार्केट से कनेक्ट करना भी आसान है। जब हम लोग जैसे हमारा सिंपल इसमें एग्जाम्पल है, हमने अपना प्रोडक्ट आज से 7-8 साल पहले ही अमेजन में डाल दिया था, लेकिन तब यहाँ से माल ले जाने के लिए कोई नहीं आता था। तो हमारा प्रोडक्ट का जितना दाम था वो कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए उससे 2 गुना ज्यादा खर्चा होता था, तो हम उतना सक्सेसफुली तब नहीं कर पाए। लेकिन आज बोरपेटा में अमेजन खुद ही कलेक्ट करने आता है अगर आप बेच रहे हैं, और 10 और वेंडर भी है जो लोग कलेक्ट करके आपका प्रोडक्ट बेच सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं कस्टमर्स अक्रॉस इंडिया में। तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, काफी है, लेकिन हमको अपना पेशेंटली हमको अपना माइंड अप्लाई करना है, रिसोर्स एंड मार्केट को एक साथ इंटीग्रेट करना है। आपको दोनों तरफ से, आप साथ में आप अगर लोकल कम्युनिटीज को लेके चलेंगे तो आपको स्केल करने में इजियर होगा। एंड ये नॉर्थ ईस्ट के पर्सपेक्टिव में मैं और बोलूंगा, क्योंकि अगर आप लोकल कम्युनिटीज को साथ में लेंगे तो आप जो ये जो विश्वनाथ जी ने जो बोला कि यहाँ का जो रिसोर्सेज है जंगल में है, और वो जंगल का एक्सेस लोकल कम्युनिटीज को ही है, अगर आप उनको साथ में लेके चलेंगे तो आप जल्दी ज्यादा ग्रो करेंगे। हाँ, उनको साथ में इनिशियली लेने के लिए थोड़ा पेशेंट होना पड़ेगा, लेकिन बाद में आपका मल्टीप्लाई करेगा। आपको ये सोचना है कि आप बेस आप कैसे डालें कि आगे जाके आपका मल्टीप्लाई हो, एडिशन ना हो। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इट इज अ वेरी यूजफुल टिप। ऑल्सो आप जैसे बता रहे, समय के अनुसार थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट, पर्टिकुलरली ये डिजिटल वर्ल्ड ने बहुत सारे गैप को कम कर दिया है। आखिरी में मैं जानना चाहूँगा, इफ इट इज नॉट ए टॉप सीक्रेट फॉर यू, आपका ओवरऑल टर्नओवर कितना है और प्रोडक्शन कितना होता है आपको, मतलब एनुअल प्रोडक्ट कितना आप प्रोडक्ट कर रहे हैं आजकल ओवरऑल, इफ इट इज इफ इट कैन बी शेयर्ड। ये से जरूर। तो हमारा अराउंड 2 करोड़ का टर्नओवर है अभी, जो हमारे कंपनी के थ्रू होता है, लेकिन हमसे जो ये काम सीखे हैं और खुद डायरेक्टली बेच रहे हैं उसमें और 2-3 करोड़ का काम होता होगा, बट हमारे कंपनी के थ्रू अराउंड 2 करोड़ का होता है। एंड लगभग हम लोग अभी आज के डेट में महीना में अराउंड 4 से 5, हमारा टारगेट है इसको 15 से 20 लाख प्लेट ले जाने के लिए नेक्स्ट 1-2 साल में ही, महीना का। महीना एंड ये खाली सुपारी का पत्ते का टारगेट है, एंड बाकी अभी और पत्तों पे इनिशियल वर्क हो चुका है
और आगे चल रहा है, तो वो सारा इंटीग्रेट करने से हम और फास्ट ग्रो करेंगे अगला 5 साल में। Thank you very much for this information and we wish all the best for your future business. Or Arindam, thank you very much for coming to this platform. I know that particularly post pandemic you have been very busy. आप गांव में भी जाना पड़ता है, field work करना पड़ता है. Despite that busy schedule, you have given your valuable time for the audience here. And we wish all the best and all the successes be with you. And also I am sure that at least some of our spectators, some of people who have joined today will get some inspiration from you. Arindam, over to you for your last comments. Arindam? And to Chitra Singha Foundation. Okay. आप अच्छा काम कर रहे हैं. आई थिंक इस तरह का जो डिस्कशंस है. थैंक यू विष्णु, थैंक यू टू चित्र सिंह फाउंडेशन ऑल्सो. आप लोग ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है. इस तरह का डिस्कशन यहाँ के कम्युनिटीज और यू Yes, thank you very much. And with this, we end our program. Thank you very much. And see you again in our next program.